वाइट और रेड कलर का गुलाब हैगा। और ये पईयां ने पुरानियां लाइटां, ये देखो ये उन्हां दी पहले मकान मालिक दी जिहड़ियां लगी हुई सी लाइट। हुण वापसी घर जाण दी समय कोई तैयारियां शुरू कर दे जी। सब तो पहले जिहड़ा ना मैं रोटियां लै आंदियां क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय के लेट हो गया सी। आ भाई जी आ गई थोड़ियां रोटियां घरों। अज मैं थोड़ा जिहा लेट निकलिया सी और डायरैक्ट सारे तो पहले गया जी पट्ठे ते। पट्ठे तो बैक इत्थे आया भी इट्टां किन्नियां क पईयां हुईयां, लेकिन पट्ठे वाले कह रहे सी हज़ार रेट तुहानू भेजांगे हुण, बाकी जिहड़ा ना सुबह भेजांगे। सारियां इट्टां चक के जिहड़ा नूं अंदर सेटरियां ने ला लईयां ने, एक इट वी जिहड़ी है ना कोई नहीं। अगर अज इट्टां ना आईयां तो सुबह मैनूं फस्ट टाइम 5-6 बजे पट्ठे ते जा के खड़ोना पैगा ते जबरदस्त इट्टां लैणगे। हालांकि पैसे मैं जमा कराते ने, उन्होंने कहा तां भेज देवांगे, लेकिन ना ही भेजे फिर भी जिहड़ा ना क्योंकि पिछली भी एक दो बारी मेरे ने इस तरह होया, पैसे देते सी उन्होंने इट्टां जिहड़ियां कोई नहीं भेजियां, और इट्टां पहले ना दो फिर भी इट्टां जिहड़ियां ना नहीं मिलदियां। और घर का कम जी तकरीबन देख लो किन्ना कंप्लीट हो चुकिया। कमरे हाफ हाफ तो तकरीबन तीसरा हिस्सा कमरों का जिहड़ा तैयार हो गया। और मैं अज आया तकरीबन उधरों 1:40 ते आया सी, पट्ठे तो ही होया आया और रोटी भी लाया। रोटी मैं भी घरों को नहीं खा के आया, भाई और जिहड़े इत्थे रल के खानी है। इट्टां ते हले काफ़ी सारी पईयां ने, यह भी पईयां होईयां ने और इस साइड ते भी और उपर वाली साइड ते भी काफ़ी सारिया जिहड़ियां ने जुड़ियां पईयां ने, लेकिन हज़ार एक कह रहे सी होर भेज देवांगा मैं। इस साइड ते भी पईयां ने, चलो अगर खत्म हो भी गईयां ना ए वालियाँ, बल्कि वह वाली पुरानियाँ जिहड़ियां ना ठीक ने, काफ़ी नवीं ने वह वाली इस्तेमाल कर लाँगे। टोड़ा मेरे ख्याल इन्हां ने हाले तक नहीं पूरे। अलहमदुल्ला जी रोटी खा के काम ते जिहड़ा ना दोबारा लग पिया, लेकिन एक मसला है कि चाह अज जिहड़ी ना कोई नहीं पीती। मिस्त्री साहब ने कह रहा जिहड़ा ना कम थोड़ा होगा चाह पीनी आई। हूँ कोशिश करांगा मैं सुबह जिहड़ा ना तुहानू कोई ऐसा बंदोबस्त करके दिना कि इत्थे तुसीं आप ही मसल पका के जिहड़ा ना पीती रखिया, सही है ना। बाकी काम तो जिहड़ा ना सारा महंगा पैना है, मिस्त्री नूं इंज करने आ लिया के तुहानू दिंदे आ जिहड़ी ना चाह पकावण वाली जी मशीन हुंदी है। की ख्याल तेरा? ठीक है, सही है, चला लोगे? चलो जी मिस्त्री साहब कह रहे हो चला लवेंगे मशीन। बोतल जी बनी होंगी उनके चाह बन जाती क्योंकि बिजली होंगी, अजक सर्दियों के जाती नहीं कोई नहीं। जो ना दिल करेंगे कहवा बनाना हो, चाह बनानी हो जड़ा ना बनाई रखे, खंड पत्ती तुम लिया के इतने रख के दे देवगा। ठीक है, सुबह भाई जी थोड़ा बंदोबस्त इंशाला हो जाएगा, घर भी बन जाएगा तो घर तो बाद भी जो सू सर्दियों के कम आएगी क्योंकि सिलेंडर गैस जो काफ़ी महंगा होंगे और बिजली तो जड़ा बनावन समय लोग काफ़ी आसानी भी होगी, गैस की भी बचत होगी। जो दिल किया दुध गर्म करना हो, चाय बनानी हो, अंडे उबालने होवन, वो जड़ा ना कम आएगी। पंप भी नंगा होंगे हूँ, काफ़ी सर्दियाँ पैदा ने, इन उत्ते रात में जो कोई छापर वगैरह पा के जावे ताकि खराब ना हो। घर उच्चा हो गया तो बैक साइड से ना समझ लो कि सारे खेत इतने जो नज़र आते हैं। हूँ यह गड्ढिया होया जी बरसीम के पता नहीं की कहें साग वगैरह जोड़ा ना सारा पिछे गड्ढिया हो। अलहमदुल्ला जी मिस्त्री तो जिहड़े हैगे ना मैं दो ला दिते ने, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है मिस्त्री साहब भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जिहड़ा तेरा घर ना कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अज दूसरा दिन है, कल तो छुट्टी हैगी सी, अज दूसरा दिन है और घर माशाल्लाह काफ़ी सारा जिहड़ा हैगा ना तैयार हो चुका है। और जिवें जिवें उपर उपर जाएगा ना थोड़ा जी मुश्किल हो जाए क्योंकि टैलों वगैरह और इट्टा वगैरह जिहड़ियां उत्ते पदानियां जिहड़ियां मुश्किल हो जांदियां ने, स्पीड जिहड़े स्लो हो जाते, लेकिन थले वाली साइड तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड लगी है। गारा खत्म हो गया सी भाई और जिहड़े बना रहे हैं और गारे वास्ते मिट्टी वगैरह इजाफी साढ़े को काफ़ी हाले बाहर भी पई हुई है। काफ़ी इंतजार किया है जी, हाले तक इट्टां जिहड़ियां ना कोई नहीं आईयां, लेकिन हुण मैंने सुबह जिहड़ा ना फस्ट टाइम ही आना पौना 4-5 बजे आवेंगे और 6 बजे तक इतने जिहड़ा ना पहुँच जावे। 6 बजे पट्ठे ते खड़ो के ट्राली भरा के इतने जिहड़ी लैवांगे क्योंकि इट्टां सारिया भाई और ने खत्म कर लिया, थोड़िया बहुत जी पे भी शाम तक जो इस्तेमाल हो जानिया ने क्योंकि हूँ अगर मैं पट्ठे ते जावा ना तो मैं शाम हो जानी उत्थे जांदिया जांदिया तक, तो उन्नी देर तक मैं चलो इतने मिस्त्री कोई बहना गप्पा गुप्पा मार दे पैसे फिर जो डायरैक्ट घर में निकल जावे।
सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है और मैं भी जरा घर जाने दी तैयारियां चा और लेकिन मिस्त्री ने कहा कि थोड़ा बहुत इन्हें काम जरा सीधा पदरा करके जावी इटा तो काफ़ी सारिया बच गई मैं तो सोचा इटा जड़िया कट जावनगिया सुबह फस्ट टाइम तो आ जावनगिया कोई नहीं मसला जिनी जल्दी हो सके हूँ सिर्फ यही इंतजार है कि जल्दी जल्दी जो कमरे है ना दो तैयार हो जाए एक एक भी तैयार हो गया ना तो अभी घर की शिफ्टिंग जी शुरू कर देनी इंशाला क्योंकि सब्जियां वगैरह जीडिया गड्डनिया से लेकिन हूँ मेरे को समझ लो कोई टाइम को नहीं होंगे मिस्त्री ना होना या ही घर बन गया ना फिर सिर्फ गार्डन की होगी मैंने फिक्र तो या खाण पीन की फिक्र होगी फिर किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी फिर आराम सुकून ना इन्हें क्यारियां कुरियां इंशाला इंशाला सब्जियां वगैरह सारिया गड्डांगे गार्डन की इतनी खूबसूरती ज़्यादा हो जानी है जो ए दरवाजे वगैरह सारा कबाड़ वगैरह जिन्ना क पिया ना इटा वगैरह सारा कचरा जो हट गया ना फिर काफ़ी खुला खुला जिना माहौल लगेगा और काफ़ी सारे बूटे इन्हों में पटने ही नहीं जिमें बूटे खड़े ना ए सूरजमुखी दे गया इन्होंने एक अद्धा रखा बारी बाकी जो पट देवे सारे जो एक्सट्रा ने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बूटे हुए खड़े ने देखो ए सारे सूरजमुखी के बूटे है आले सुबह पाकिस्तान तो इंग्लैंड का फाइनल मैच भी है इतवार है और शायद सुबह जड़ा है ना बल्कि सुबह मैं इटा वास्ते आना पैना लेकिन मैं टाइम ना घर वापस चला जावगा क्योंकि मैच तो जरा आराम सुकून बह के देखना है और माशाल्लाह ए देखो जी गुलाब वाइट और रेड कलर का गुलाब है सफाई वगैरह काफ़ी सारी जी करी है घा वगैरह जो थलो पट्टन लेकिन जो इतने आए ना फिर ही जरा पट्टे हूँ तो टाइम ही कोई नहीं होंगे इस साइड तो बहुत ज़्यादा बच्चे कचरा कुचरा गंद आया पे बहुत ही ज़्यादा और यह देखो माशाल्लाह काफ़ी फुल जड़े है ना ग्रो कर गए ना बहुत ही ज़्यादा ये पहले खुश्क हो गए थे ए देखो हाले खुश्क हुए पत्ते खड़े ही नहीं बीमारी पै गई सी पीले हो गए थे लेकिन हूँ फिर जड़े ना माशाल्लाह देखो सबज टहनियाँ वगैरह निकलदियाँ फिर ग्रो कर गई ने मेरे ख्याल नवी निकलिया ना हाँ जी ए देखो ना नवी शाखा वाली निकलिया ने और एक भी निकली खड़ी है मैनू ना इन चीज़ों का बेहद शौक है ज़्यादा गार्डनिंग वगैरह करना सब्जियां वगैरह गढ़ना और उस अलावा परिंदे वगैरह जेड़ रखने मुर्गे शुरगे यूरंगी चीज़ों का बड़ा शौक लेकिन मुर्गे मुश्किल थोड़ा जि काम मुर्गे शायद ना ही रखिए क्योंकि बिठा वगैरह जो करते ना सारा घर के गंद गुंद मार देंगे इस करके वह मैं रखता इस करके नहीं हाँ लेकिन वह भी दिल करता है कि रखा लेकिन अगर वो मुर्गे वगैरह रख लेना तो मेरे गार्डन के ना मसल बैठन की जगह नहीं मिलनी जगह जगह तो उन्होंने बिठा कर देनी इस करके वो मैं कोई नहीं रखता हो सकता कि घर जो आ जाए थोड़े बहुत एक दो शायद वाली गल अंडिया वास्ते मुर्गियां जी रख ले भी लेकिन दूसरिया रखा असील रखा ताकि बच्चे वगैरह भी किसी कदे कटाने हो तो बच्चे वगैरह कटा के काफ़ी महंगे सेल होंगे ने 5-10 हज़ार का एक मुर्गा जोड़ा है ना सेल हों अब्दुल वहाब जी सारे तो ज़्यादा मेरे तो उधर खड़ा से कह रहा है अब्बू जड़ा नहीं आए क्यों कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया दिन मैंने उत्थे ही लत गया मैं देरा हो गया काफ़ी सारा और बच्चे भी अज आपे ट्यूशन तो जरा आ गया बच्चों के स्कूल पार्टी वगैरह भी हैगी और सुबह मैच भी है तो बच्चे चला के बैठन जी टी वी ए देखो केबल वगैरह चलती कोई नहीं तो टी वी चलता है तो वह भी मक्खियाँ मक्खियाँ वाला साफ सुथरा टी वी नहीं चलता पे ए आर वाई न्यूज़ चल रहा है और अब्दुल वहाब है देखो सुरखी सुरखी लाई फिर कितों लाई है कहाँ लाई ईमान लाई है ईमान तो नहीं लाई अज हैगी सी जी स्कूल दे विच पार्टी लेकिन पार्टी का अद्धी अद्धी बच्चों ने पार्टी खाधी अद्धे बच्चों ने पार्टी नहीं खाई खाई कुड़ियां कुड़ियां की पार्टी हैगी सी ईमान फातिमा कहती सी मैं खाई है पार्टी लै भाई कोई नहीं खाई और ना जेड़ा ना अब्दुल रहमान ने खाई हूँ अब्दुल रहमान कह रहा कि जेड़ा ना लैके आओ पीज़ा ईमान खाया ही है तो उन्होंने जेड़ा लुसांदी पई है मसला ना सड़ती पई उन्होंने कह मैं ना पीज़े पूज़े खा के आई हाँ तो इन्हां दी पार्टी हैगी कदों है सवार नूं पार्टी अब्दुल रहमान उन्हां दी ते अज हफ्ते नूं पार्टी हैगी सी ईमान फातिमा उन्हां दी और केड़ी केड़ी चीज़ आई अज पार्टी च बर्गर पिज़्ज़ा रिकॉर्डिंग और अज इन्हां दा भी दिल करदा पिया लैबा भी कह रही सी मैं भी जिहड़ा ना खाणी है अज इत्थे चक्की फिरदे किथे ओह पर्चा जिहड़ चक के थल्ले फिरदे आ हां ए देखो अज है पुराना पहले ही मेरे तो चक के इतने बैठे हैं और एक दूसरे ने दिखा रहे सी भी अयो रंगा पीज़ा हा अयो रंगे बर्गर आन इस तरह की छइया तो हूँ जेड़ा ना मेरे शपेर हो बैठी एक ओ तो एक ए कह रहे ने लैके आओ जी बर्गर तो पीज़ा तो फलानी शह तो फलानी शह हूँ ताड़ी परसों पार्टी है खा ही लवे उस पार्टी के करना हूँ लिया के पार्टी हो जानी
लैबा रह जाए, लैबा नाले लै जावे, लैबा नू पार्टी जो आ जाए लैबा ने क्यों नाल लै गई है, इनू नाल ले जावे वह भी खा लवे, क्यों लैबा कोई नहीं लै गई जान के नहीं तेन लै गई है ना, लैबा ने लै जावे थोड़ा वह भी खाया भी पीजे शीजे। अब्दुल वहाब तू पीजे खाधे ने, कौन नहीं करते तू चलो जी इन्हों की जी परसों पार्टी, तुसी पार्टी तो परसों खा लिया पीजे ठीक है, तो बाकी लैबा रह जा सी, लैबा नूं एक दो बर्गर लैक दे देवांगे सही है, हाँ लैबा की गारी पार्टी हो जा सी, तो ईमान फातमा तो पार्टी खा के आई बैठी है, नाल की लैके गई है तू अपने हिस्से का, तू लै गई है कोल्ड ड्रिंक, चिपस लै गई है, चिपस भी कोल्ड ड्रिंक भी और की चीज लै गई, चॉकलेट चॉकलेट भी लै गई है, इतने समान तो तू आप नाल लै के चली गई है, ये मेरे को लै गई सी 200 रुपया दोपहर टाइम कह रही सी पैसे लाए ने, मेरे को पैसे लाए के उन चॉकलेट लाए अच्छा मैं तो सोचे आज जे सारे दी पार्टी होवेगी, लेकिन अद्धे बच्चे पार्टी खा आए ने ते अद्धे जेड़े ने रह गए ने, चलो अद्धे जेड़े ने सवार नु खा लवणगे, पिंड नु जान लग्या लैके जाने से मैं दाने पिसवाने से उस चक्की, तो मैं याद ही कोई नहीं रहे ने, बेगम साहबा तो समझ लो कि इन्होंने होटल तो रोटियां वगैरह मंगा के खा खू के बैठे ने, मैं भी दोपहर टाइम मिस्त्रियां ने रोटी खाधी थी होटल लैके, लेकिन हूँ मैंने बुक कोई नहीं है, मेरे ख्याल है खीर पहीए उइयो खा के जिहड़ा हैगा ना सो जाने आराम नाल, इंशाल्लाह सुबह नाश्ता वगैरह कर लेंगे, सुबह मैं लैके जावगा नाल नूं की कहिंदे ने दाने ठीक है ना, हूँ आप चक के थले रख लईए, सुबह फर्स्ट टाइम मैं याद रहणगे क्योंकि सुबह ये ज्यादा इस करके याद को दाने पैन जी उपर वाले पोर्शन से, तो इस करके मैं याद नहीं, आप थले रमान आ जा आप लै दिए थले रख लें, सुबह जावे लग्या ना मैं तू याद कराने ने, उंज मैं कौन याद रहने यह की आंदा, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब्दुल वहाब तैयार होया बैठा है कह रहा चलिए पापा, नहीं नहीं छाते नहीं चलना, चल तू नहीं नहीं लै जा दिखता थले की मान फड़ा के असी चक लांगे दाने आपे, और दाने पैन जी इस स्टोर के अंदर बनना है जी साडा स्टोर, और समान वगैरह भी असी आन करीब ही जिहड़ा ना कुंजने कुंजने शुरू करने हैं, क्योंकि असी हुण वापसी घर जाण दी समझ के तैयारियां शुरू कर देवी, समान वगैरह कुंजांगे इकट्ठा आस्ता आस्ता करके लै जावे, क्योंकि कई दिन जाना कोई नहीं है, और एक एक करके मसलन एक दिन यह समान जाएगा सारा, कोई उपर वाली साइड चला जाएगा, और दाने जड़े पैने थले चाके थले ला एक तोड़ा ला के थले रख लैने, पई जी गंदम इतने भी शहर के चक्की वगैरह लगी होनी है, लेकिन मैनू नहीं पता किस जगह चक्की लगी हुई है, लेकिन पिंड वाली साइड रस्ते एक आंधा पिंड उ समय रोड उत्ते चक्की है, उत्थे दे के चले जावे और वापसी तो घर आने लगे जेड़ा ना आटा पिवा के लैवे, ए वाला बैग लिया जो असी मरी गए से टूर से पता नहीं टुटा पिया है कि वैसे जिप वगैरह मेरे ख्याल खुली हुई है, वैसे तो ठीक ही है खाली है, जो असी इस घर के आए थे ना एक बल्ब भी इस घर का समझ लो कि ठीक को नहीं है, असी सारिया बत्तियां वगैरह सड़िया हुई सी, सारे लाइटा वगैरह जी बल्दियां पियां ने मैं नवी लै के लाइया सी, और बाकी यह उन्हां दी पुरानियां लाइटा वगैरह पईयां ने, जदों असी घर छड़ के गए ना तो अपनियां नवीं सारियां लाइटा ला के उधर लै जावांगे, और पुरानियां असी मसलन ला के जावांगे, और बल्ब साढ़े को बहुत ज़्यादा होए पर रहा भी है वह भी, और इस अलावा पहले वाले घर वाले बल्ब पए ने कुछ बोर्ड वगैरह पए ने, उस अलावा बल्ब मेरे ख्याल है 4, 2, 6, 7, 8 बल्ब जिहड़े इन्ना वड्डे इन्हां दे डब्बे वगैरह भी इत्थे पए ने, ए बल्ब नवे मैं लिया के लाए थे तकरीबन 4-5 हज़ार का खर्चा, तो जो असी घर किराए तो रहा 4-5 हज़ार 6 हज़ार साडा खर्चा समझ लो कि वायरिंग बिजली बिजली नूं सैट करांदिया करांदिया ही लग गया सी, और यह पईयां ने पुरानियां लाइटां, यह देखो यह उन्हां दियां पहले मकान मालिक दियां जिहड़ियां लगियां हुई सी लाइटां, यह देखो यह हैगियां सी जलियां हुई तो यह ला के रख लिया सी, और नवी थले कमर ला दी सी, और जान लगियां फिर ही असी ला जावे,
और अपनी नवी जो ला के लै जावे। नैक्सट जेड़ा भी इतने किराए पर रहन आएगा वह अपन लाइटा जुद लवा लेगा। अगर किराया वाला जोड़ा है ना उन्हें सानू इन्हें लाइटा वगैरह के पैसे दे दिए तो फिर तो लगिया रहनगियां, अगर नहीं दिते तो अपन ला के फिर लै जावे घर, क्योंकि एक लाइट मेरे ख्याल दे विच काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मेरे ख्याल 4-5 हज़ार बिल बनया सी। चलो जी ए ली जी लैके जा रहे हैं तोड़ा। हाँ जी ए एक तोड़ा जी आ गया सुबह जड़ा जान लगे लै जावे अगर बेगम साहबान याद कराया, क्योंकि मैनू दूसरे तीसरे दिन का जोड़ा ना जान लगे याद नहीं रहा, इस करके जोड़ा है ना इन्हों के जिम्मे लाया कि मैं जान लगे याद तुम्हें लाजमी कराना। और मैंने सुबह तो थोड़ा जल्दी उठाना बच्चों के स्कूल के नाल ही, सुबह नाश्ता करके जावगा ठीक है, सुबह बच्चों के स्कूल जाना ही कोई नहीं है। लेकिन स्कूल के टाइम मैं उठा दे, बल्कि स्कूल के टाइम तो पहले, क्योंकि इतों मैं जाना है जाके इटा लैके आनी, इटा खत्म हो मैं इटा लैके आदि तो फिर मिस्त्री ने काम करना। हाँ टाइम ना जेड़ा उठा देवी। और यह कि पाई फिर यह छोरी वाली है लड़कियां दी है, ये लड़कियां दी जैकट है बंदर लई बना है। एक ही शाये एक ही चीज है ना ना हाथ ना मैंने बखात सही की शा लई बना है एक ही शाये ऐ देखो ऐ बने हुए हैं लत्तां जी बनी हुई हैं फोम दा बनाया कह रहा है बंदर है ऐ ला बंदर है फादर तू भी बंदर है। 4-5 दिन हो गए ने खीर असी पकाई हुई, खीर किसी भी नहीं खाई, सारी खीर मैं खत्म की है, बेगम साहबा ने कोई नहीं खाई, बच्चों ने भी नहीं कोई नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ मैं खत्म की है दिन रात खा के। हूँ भी समझ लो कि इन्होंने अपनी रोटी पानी खा लिया और मैं खा रहा जी खीर, क्योंकि दोपहर टाइम रोटी खाई सी मैं, हूँ ही तकरीबन 3-1 बजे 2:30 बजे और हूँ खा रहा जी खीर। करते हैं जी अज का विलाग इतने खत्म, खीर वगैरह खाने। और बेगम साहब पूछ रही है कि घर जोड़ा है ना किन्ना क बन गया, इन जो समझ लो कि वैसे तो उन्होंने उत्तर लिजाम रहा, लेकिन व्लाग वगैरह जो थोड़ा बहुत बनाया उन विखा देव कि घर इन्ना तैयार हो गया तकरीबन अद्धे ना जो है ना अद्धे ना थोड़ा तैयार होया, तीसरा हिस्सा तैयार हो गया, दो हिस्से रह गया, हफ्ते तक तैयार हो जाएगा उम्मीद है, हफ्ते तक जो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट। हाँ छत्तां वगैरह हफ्ते दिन दर दिन